नमस्ते दोस्तों, हमारे फासुमा किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ चिकन फ्राई करने का एक अलग ही तरीका। इसे हम बहुत ही कम चीज़ों में फ्राई करेंगे और ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है साफ धुला हुआ चिकन, ब्रेड का पाउडर हमने किया है मिक्सर में, मैदा, दो अंडा, चिकन मसाला, काली मिर्च पाउडर, नमक। हम एक कटोरा अब ले लेंगे, उसमें दो अंडा हम फोड़ के ले लेंगे। इसको हम इस तरीके से फेंट लेंगे। अब हम इसमें मैदा डालेंगे। इसको भी हम इस तरीके से फेंट लेंगे। अब इसमें हम नमक डालेंगे, नमक स्वाद के अनुसार डालिए। काली मिर्च पाउडर हम यहाँ डालेंगे। अब चिकन मसाला डालेंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। अभी हमारा घोल यहाँ पे तैयार हो चुका है इसका। अब हम इसमें चिकन का पीस डालेंगे, एक एक करके इसमें डालेंगे। अब हमने इसमें चिकन डाल के चिकन को अब हम निकाल लेंगे और इस तरीके से इसे ब्रेड में ऐसे मिक्स करेंगे। इस तरीके से हम इसे पूरे टुकड़े को इस तरीके से हम कर देंगे। ऐसे हम तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे इसे ब्रेड में मिला लिया है। अब ये फ्राई करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। अब हम गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई गर्म होने के लिए रखेंगे, इसे गर्म होने देंगे। अब हम कढ़ाई में तेल डालेंगे। तेल गर्म होने देंगे। अब तेल हमारा गर्म हो चुका है, हम इसमें चिकन हमारा डालेंगे फ्राई करने के लिए। देखिए इसे पूरा ब्रेड में भिगा लीजिए इस तरीके से। इसे अब हम लाल होने देंगे। देखिए ये किस तरीके से ब्राउन हो रहे हैं, बहुत अच्छा कलर इसमें आ रहा है। आप इसे चिकन ब्रेड पकोड़ा भी कह सकते हैं एक तरीके से। देखिए लाल हो रहा है अच्छे से। देखिए फ्राई हो रहा है, हम इसे लो फ्लेम में फ्राई होने देंगे ताकि चिकन अंदर से कच्चा ना रह जाए, पूरी तरीके से पक जाए। अब ये फ्राई होके तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे तेल से निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरे भी इसमें फ्राई कर लेंगे। और
इसे हम पलटा लेंगे इस तरीके से, इसे पलटी कर लेंगे। अब हम गैस लो करेंगे ताकि ये पक जाए अच्छे से अंदर से। ये भी अब फ्राई हो चुका है, अब हम इसे भी तेल से निकाल लेंगे। कितना अच्छा इसका कलर आया देखिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमारा चिकन फ्राई बन के रेडी है। ये कितना अच्छा और सुंदर दिख रहा है, बिल्कुल बाजार में ऐसा मिलता है ऐसा ही ये लग रहा है। खाने में भी ये बहुत स्वादिष्ट होता है। आप इसे ज़रूर बनाइए अपने घर पे, और पसंद आया तो हमें लाइक कीजिए।